नमस्कार, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है सप्त सप्ततितम अर्थात 77वां सर्ग उत्तरकांड से ही। आज हम सुनेंगे महर्षि अगस्त्य के श्रीमुख से एक स्वर्गीय पुरुष के शव भक्षण का प्रसंग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पुरा त्रेता युगे राम बभुव बहु विस्तरम समन्ताद्योजन शतम विमृगम पक्षिवर्जितम तस्मिन् निर्मानुषे अरण्ये कुर्वाणस्तप उत्तमम् अहमाक्रमितुम् सौम्य तदरण्यम् उपागमम् तस्य रूपम् अरण्यस्य निर्देष्टुम् न शशाकः फलमूलैः सुखास्वादैर् बहुरूपैश्च पादपैः तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरोयोजनमायतम् हंसकारण्डवाकीर्णम् चक्रवाकोपशोभितम् पद्मोत्पलसमाकीर्णम् समतिकान्तशैवलम् तदाश्चर्यमिवात्यर्थम् सुखास्वादम् मनोत्तमम्। तो अगस्त जी कहते हैं, श्री राम, प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। एक बहुत ही विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में न तो कोई पशु था और न पक्षी ही। तो सौम्य उस निर्जन वन में उत्तम तपस्या करने के लिए घूम घूम कर उपयुक्त स्थान का पता लगाने के निमित्त में वहाँ गया। उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था यह बताने में मैं असमर्थ हूँ। सुखद स्वादिष्ट फल मूल तथा अनेक रूप रंग के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर था जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की थी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी फैले हुए थे और चक्रवाकों के जोड़े उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें कमल और उत्पल छा रहे थे। सेवार का कहीं नाम ही नहीं था। वह परम उत्तम सरोवर अत्यंत आश्चर्यमय सा जान पड़ता था। उसका जल पीने में अत्यंत सुखद एवं स्वादिष्ट था। अरजस्कम तदक्षोभ्यम श्रीमत् पक्षी गणायुतम तस्मिन् सरह समीपे तो महदद्भुतम आश्रमम् पुराणम पुण्यमत्यर्थम तपस्वी जनवर्जितम् तत्राहम वसम रात्रिम नैदाघीम पुरुषर्षभा प्रभाते कल्यमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे अथा पश्यम शवम तत्र सुपुष्टमरजह क्वचे तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तस्मिन् स्तोषाशये नृप तमर्थम चिन्तयानो अहं मुहूर्तम् तत्र राघव विष्ठितो अस्मि सस्तीरे किं निदम् स्यादिति प्रभो अथा पश्यम् मुहूर्तात्तु दिव्यमद्भुत दर्शनम्। तो अगस्त्य मुनि बता रहे हैं प्राचीन काल के त्रेता युग की बात। एक सरोवर का वर्णन कर रहे हैं जहाँ वो पहुँचे। कहते हैं उसमें कीचड़ नहीं थी, वह सर्वथा निर्मल था, उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसके भीतर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर के पास ही एक विशाल अद्भुत एवं अत्यंत पवित्र पुराना आश्रम था जिसमें एक भी तपस्वी नहीं था। तो हे पुरुष प्रवर, जेठ की रात में मैं उस आश्रम के भीतर एक रात रहा और प्रातःकाल सवेरे उठकर स्नान आदि के लिए उस सरोवर के तट पर जाने लगा। उसी समय मुझे वहाँ एक शव दिखाई दिया।
जो हृष्ट पुष्ट होने के साथ ही अत्यंत निर्मल था, उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं थी। नरेश्वर, वह शव उस जलाशय के तट पर बड़ी शोभा से संपन्न होकर पड़ा था। प्रभो रघुनंदन, मैं उस शव के विषय में यह सोचता हुआ कि यह क्या है, वहां 2 घड़ी तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा। विमानम परमोदारम हंसयुक्तम मनोजवम अत्यर्थम स्वर्गिणम तत्र विमाने रघुनंदन उपास्ते अप्सरसां वीरसहस्रम दिव्यभूषणम गायन्ति कश्चित् रम्याणि वादयन्ति तथा पराः मृदंग वीणा पणवा नृत्यन्ति च तथा पराः अपराश्चंद्र रशम्या भैर हेम दंडैर महाधनैः दोधूयुर्वदनम तस्य पुंडरीकनिभेक्षणाः ततः सिंहासनम हित्वा मेरुकूटमिवांशुमान् पश्यतो मे तदा राम विमानादवरोह्य च तं शवं भक्षयामास स स्वर्गी रघुनंदन। आगे कहते हैं अगस्त्य मुनि की 2 घड़ी बीतते ही मैंने वहां एक दिव्य अद्भुत अत्यंत उत्तम हंस युक्त और मन के समान वेगशाली विमान उतरता देखा। रघुनंदन, उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे थे जो अत्यंत रूपवान थे। वीर, वहां उनकी सेवा में सहस्रों अप्सराएं बैठी थीं जो दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनमें से कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मृदंग वीणा और पणावादी बाजे बजा रही थीं। अन्य बहुत सी अप्सराएं नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों वाली अन्य कितनी ही अप्सराएं सुवर्णमय दंड से विभूषित एवं चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल बहुमूल्य चंवर लेकर उन स्वर्गवासी देवता के मुख पर हवा कर रही थी। तो हे रघुकुल नंदन श्री राम, तदनंतर जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर मेरे देखते देखते उस शव का भक्षण किया। ततो भुक्त्वा यथा कामम मांसं बहु सुपीवरम अवतीर्य सरह स्वर्गी संस्पृष्टो मुपचक्रमे उपस्पृश्य यथा न्यायम स स्वर्गी रघुनंदन आरोढुम उपचक्राम विमान वरमुत्तमम तमहं देव संकाशमारोहंतम उदीक्ष्य वै अथाहम ब्रुवम वाक्यम तमेव पुरुषर्षभ को भवान देव संकाश आहारश्च विगर्हितः त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमर्थं वक्तुमर्हसि कस्य स्यादीदृशो भाव आहारो देव सम्मतः आश्चर्यं वर्तते सौम्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः नाहमोपयिकं मन्ये तव भक्षम मिमं शवम् इत्येव मुक्तः स नरेन्द्र नाकी कौतूहलात् सूनृतया गिरा च श्रुत्वा च वाक्यं मम सर्वमेतत् सर्वं तथा चाकथयन् ममेति। तो अगस्त्य मुनि बताते हैं कि उस स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर उनके सामने ही उस शव का भक्षण किया। इच्छानुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांस को कर वे स्वर्गीय देवता सरोवर में उतरे और हाथ मुंह धोने लगे। रघुनंदन, यथोचित रीति से कुल्ला आचमन करके वे स्वर्गवासी पुरुष
उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। तो हे पुरुषोत्तम, उन देवतुल्य पुरुष को विमान पर चढ़ते देख मैंने उनसे ये बात पूछी। हे सौम्य, हे देवोपम पुरुष, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा घृणित आहार करते हैं, यह बताने का कष्ट करें। हे देवतुल्य तेजस्वी पुरुष, ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा घृणित आहार किसका हो सकता है? सौम्य, आप में ये दोनों आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः मैं इसका यथार्थ रहस्य सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस शव को आपके योग्य आहार नहीं मानता हूँ। तो हे नरेश्वर, जब कौतूहलवश मैंने मधुर वाणी में उन स्वर्गीय पुरुष से इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर उन्होंने यह सब कुछ मेरे सामने बताया। तब उन देवोपम पुरुष ने अगस्त्य मुनि को क्या बताया, वो हम जानेंगे अगले अध्याय में। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 77वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे सप्तसप्ततितमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।